हमारे साथ जो हैं, जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी पोती की शादी एक गांव में लगाया था। गांव में शादी की बात तय हो जाने के बाद लड़की और लड़का के बीच टेलीफोनिक बात शुरू हो गई और 5 महीने बाद, कितने दिन के बाद बारात आई है? चार पाँच महीने बातचीत, दोनों लड़का लड़की के बीच बातचीत होती गई और बात इतनी बिगड़ गई कि बारात दरवाजे पे आने के बाद लड़की ने मना कर दिया, शादी से मना कर दिया। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। क्या हुआ है, ये रिश्ता कैसे टूट गया? कोई बात विवाद हुआ दोनों में, देखिएगा जरा, लड़का लड़की में और लड़का का लड़की को मतारी से बातचीत होती थी। यही बीच उस कुछ गलत सलत सवाल कर देता था, लेकिन वो लाज के मारे नहीं बोल रहा था। ठीक ठीक। लेकिन अति वर्जित हुआ तो अपना परिवार में कहा 2-3 रोज पहले, जिसमें मटकोर के दिन था। और हम लोग मटकोर करे कि दुनिया जान करे कि वो लफड़ा जोते, इसके लिए हम सब मौन हो गए। मौन होने के बाद कहे कि ऐसे बात तो बिगड़ जाएगा कि आज हम कुछ कहेंगे, चाहे वहाँ से खबर उबर करेंगे तो बात बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम सब बर्दाश्त करते हुए अपना दरवाजे पर बारात ले करके सिर्फ हम परछावन करवा दिए। इसके बाद जन्माष्टमी में सभी आदमी को जलपान पान करा दिए, खाना खिला दिए। इसके बाद मैटर उठा दिए कि ऐसे लड़का काहे बोला। उसी तरह से बोलते बातें बात विवाद हो गया। इसके बाद मैं निगलेक्ट कर दिया कि नहीं, शादी नहीं करना है, जमाला फलावाना कुछ नहीं हम किए, इतना ही बात था। तो शादी की बात जो है, यहाँ जो है वैसी अगर बात थी, ये बात जो है बिगड़ गई थी, तो पहले ही मना कर देना था, वो भी नहीं आते। इसलिए नहीं मना किए कि हम डिमांड जो दे दिए थे, तो हम ये 15-20 कोस के दूरी था, हम किसके लेकर के जाते हूँ मैं पर पंचायती करने। इसीलिए मैं अपना कुछ गमा करके कुछ सहते हुए हमें ऐसा दंड किए कि इस बीच में जो है जो लेन देन है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि लड़की पक्ष के द्वारा जो लेन देन का है, पैसे की बात हो या जो भी तय, जो शादी के लिए जो तय राशि था या सामान था, वो चीज़ जो है दिया जा चुका था। इनके पास भी जो है ये भी परिस्थिति में थे कि हम इतना चीज़ देने के बाद अब इस तरह की बात, व्यवहार उनका बदल गया है, तो हम हमारे दरवाजे पर जब आएंगे जब ही हम उनको रोक लेंगे, नहीं हाँ, फिर अपना सारा सामान लेके हम उनको यही बात रिश्ता ख़त्म कर देंगे। यही बात है कि हम यदि हम पहले ही काम शुरू करते तो तू पैसा हमको देता नहीं, तो और हम मर जाते। इसीलिए मैं दरवाजे पर बारात मंगा करके खान पान नाश्ता पानी हर चीज़ आदर किए, स्वागत किए। इसके बाद हम उन्हीं को गांव से, उन्हीं को समाज से ऐसा धंधा प्रश्न डाले। लेकिन जो है आप इतने उम्रदराज हैं, इस चीज़ को जो है, यानी ये जो तरीका आपका था, ठीक है, आपने उनको पैसे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन फिर यहाँ आ जाने के बाद जो है इस तरह से करना तो ठीक नहीं था। अब ठीक नहीं था, अच्छा ठीक, आपको लगा कि हम फंस गए हैं, इतना सारा सामान भी दे दिए, पैसे दे दिए, हम कैसे ले पाएंगे हम, इसलिए बारात आने देते हैं और अपना दरवाजा पर कुतुब बढ़िया रहता है, इसी लेकर के हम ऐसा धंधा किए। ऐसा बात नहीं कि हमको खर्च नहीं हुआ, करीब करीब 2-3 मन चावल टूटा, दुनिया जहान हुआ। बारातियों के साथ जो है, हाँ, बाराती के साथ किसी तरह का कुछ, बाराती से पूछ लीजिए, अभी बारात यहाँ पर मौजूद है, उससे पूछ लीजिए कि कौन चीज का उसको साथ व्यवहार हुआ। अच्छा, है बाराती, उस बाराती के साथ जो है किसी तरह का कोई, हाँ, जो बाराती अभी मौजूद है पूछ लीजिए बाराती से। आप बाराती, हाँ, दुहारी भी लगा, नाश्ता पानी भी मिला, खाना भी मिला, हम लोग का ऐसा बात मैटर मालूम नहीं था। आप लोग को कब पता चला? हम लोग का पता चला खाना खाने के बाद, खाना खा लिए तो हम लोग का देखे भाई पंचायती बैठा हुआ है, तो यही सब बात हुआ, लड़का कोई गलत बात लड़की के साथ डिसाइड किया है, तो ये सब मालूम चला तो बोला लड़की वाला पक्ष, हम शादी नहीं करेंगे। बारातियों के साथ किसी तरह नहीं, कोई घटना नहीं, बारातियों को बहुत अच्छा सुरक्षा मिला, खाना पीना पानी चाय सब कुछ अच्छा मिला। अभी जो है देखिए, आप जो है किस गांव से बारात आए थे? हम लोग घोरासान। ये जो अभी जो यहां आपको रोक लिया गया जी, नहीं रोकने के बाद, हाँ, रोकने के बाद यही बेटी वाले के डिमांड है, 7 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है, 7 लाख रुपया हमको दे दो भाई, जाओ यहां से, 4 गाड़ी हम लोग का यहां रुका हुआ है, इसीलिए हम लोग रुके हैं।
आपको खाना पीना जो है किसी में नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत कोई नहीं मारपीट कोई ऐसा कोई मारपीट नहीं, बहुत अच्छा इज्जत व्यवहार मिला है, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रकार का दिक्कत नहीं। आप क्या इसके बारे में जो है, जैसे कि अभी आप बताए हैं कि यहाँ आने के बाद जो है जी लड़की से लड़का के बीच किसी तरह का गलत बात होने की वजह से ये बात हम लोग सुने हैं जी, और रिश्ता टूट भी गया है, ये देख भी रहे हैं, देख रहे हैं। इस पे जो है आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जिसका भी शादी अगर रिश्ता जोड़ा जाए लड़का लड़की बात मत कीजिए, तो यही संबंध खराब होता है। अब हमारे साथ जो है बैठे हैं ये दूल्हा है, आप देख सकते हैं इनके हाथों में मेहंदी भी लगा हुआ है, थोड़ा हाथ दिख लीजिएगा, हाथों में मेहंदी लगाए हुए हैं। और कहते हैं कि शादी जो है ईश्वर अल्लाह तकदीर में जो है लिखा होता है वही शादी होती है, और रिश्ता जहाँ लिखा होता है किसी हाल में होता है, और रिश्ता अगर नहीं लिखा होता है किसी हाल में नहीं होता है। कुछ ऐसी तस्वीर है, ये हमारे साथ दूल्हा है जो हाथों में मेहंदी तो लगाए बारात भी आई, दूल्हा बन के आए लेकिन शादी नहीं हो पाई। यह हमारे साथ दूल्हा है, दूल्हा से हम बात करते हैं आखिर क्या कुछ हुआ, क्या नाम है आपका? चुन्नू कुमार। क्या हुआ, क्या बात बिगड़ गई? जी बात बिगड़ गई, और लड़की से थोड़ा मस्ती मजाक किया, सीरियस हो गई, फिर घर पे बोल दी मम्मी पापा को, बस यही। जोर से बोली खाना नहीं खाए क्या? खाना तो खाया। अच्छा एक चीज बताइएगा कि लड़की पक्ष से आपको जो है किसी तरह का कोई मारपीट कुछ नहीं? नहीं मारपीट कोई नहीं। खाना खाए हैं आप? खाना खाए। नाश्ता मिला है? नाश्ता भी मिला है। हाँ। तो ये जो है यानी कब शादी की बात हुई थी आपकी? भी एक डेढ़ महीना पहले। डेढ़ महीना पहले? हाँ। और बीच में आप जो है लड़की से बात करना शुरू कर दिए? हाँ। नहीं क्या ऐसा कुछ कह दिए कि जो है बात बिगड़ गई? क्या वही थोड़ा मस्ती मजाक होता है बस। तो मस्ती मजाक तो शादी से पहले नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। अब देखिए अभी जो है आपके मस्ती मजाक से दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली का बहुत मतलब है, जैसा कि आप सामने हैं ये, और इनके द्वारा जो लड़की से बात हुआ कुछ ऐसी बात निकल गई जिसके वजह से यह जहर बन गया दोनों परिवार के लिए। बहुत ही दुखद घटना है, इस घटना का जिक्र करते हुए भी हमें भी दुख है, इस तरह के रिश्ते टूटते हैं, लेकिन समाज है जी। आपकी एक छोटी सी गलती से, हाँ आपकी छोटी सी गलती से जो है आप परे हुए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि शादी से पहले कोई लड़का लड़की बात ना करे जी, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जी। देखिए आपसे गलती हुई है, हाँ हुई है, ऐसी गलती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए कि इस चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं यानी बोल रहे हैं कि किसी भी लड़की को किसी भी लड़का से जब लड़का लड़की की जब शादी की बात हो तो शादी से पहले टेलीफोनिक बात ना करें। बोलिए नहीं, लोगों को इस तरह का मैसेज है? नहीं नहीं बात करना चाहिए शादी से पहले। आप क्या यानी ये जो है आपको इस बात की तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो होगा, गांव में आप जाइएगा, आप गांव में जाएंगे तो हाँ, क्या बिना दुल्हन के जो है आप गांव में जाएंगे? आपकी छोटी सी गलती से कारण ये सब हो रहा है। क्या कहेंगे? आपकी एक छोटी सी गलती के कारण गांव में लोग समझता है, दोनों का बदनामी हो रहा है। तो आप दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि समाज है, हम भी जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे घर में भी बेटी बहू सब है, ये जैसा कि कह रहे हैं अभी दुल्हा है, यहाँ से जो है अक्सर जो है दुल्हा जब घर लौटता है तो बहू के साथ लौटता है, दुल्हन के साथ लौटता है, और शादी जो है जहाँ भी जिस समाज में जिस धर्म में जिस समुदाय में जिस गांव में होता है उस गांव में गांव के लोगों को भी पता होता है कि आज बारात आने वाली है, और यह ऐसी घटना है, इससे सीख लेने की ज़रूरत है, इससे समझने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि इस घटना से कि यह ऐसे दुल्हा हैं जो घर तो लौटेंगे लेकिन बिना दुल्हन के लौटेंगे।